एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। अभी जब ब्रेक चल रहा था, एक माँ मुझे मिली जिसने बड़ी मुश्किल से तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी बेटी को बाहर निकाला है, जहाँ पर शायद लोग अपनी फोटो को भी सोशल मीडिया पर या बाहर कहीं डालने पर डरते होंगे। उसने अपनी बेटी को कंटेंट क्रिएटर बनाया है, और जब वो ये बात कह रही थी और उन्होंने इसकी वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा और किस तरह से वो अपनी बेटी की हेल्प कर रही हैं, इससे ये समझ में आता है कि ये देश बदल रहा है, और इस देश को बदलने के लिए बड़ी तेज़ आवाज़ की ज़रूरत है, बड़ी आत्मविश्वास की ज़रूरत है। और इसमें ये मान के चलिए आपकी इसको कोई नेता या आंकड़े कुछ भी गिना दें, अपने अपने क्षेत्र की बातें करा दें, दरअसल कोई और बदल सकता है इस देश की तकदीर को, कोई और बदल सकता है अगर इस देश के युवाओं को, कोई और बदल सकता है और अपना भी हित कर सकता है और दूसरों का भी फायदा करा सकता है, तो वो आप ही हैं। इसलिए अपने फायदे की बात सोचिए, लेकिन देश की फायदे के लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पे करने के लिए, तो इसलिए ज़ोर से एक बार हमें ये कहना होगा, भारत माता की, भारत माता की। देश के लिए कुछ करने का जज्बा है या नहीं? सबसे पहले इस मंच से जो आवाज आ रही थी और जिनके लिए बड़ी तालियां बज रही थी, सब लोग उनको देखने के लिए भी क्रेजी थे, अमित क्रेजी। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने विचारों को साझा करें। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। आप सब लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो, और मेरे सामने मैं जिनको देख रहा हूं उसमें बहुत सारे चेहरे तो मेरे जाने पहचाने हैं, तो वो देख करके और ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे चेहरे आते हैं, और आज वाकई में मैंने इतने चेहरे मेरे सामने देखे हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल करने के लिए मैं स्वदेश कॉन्क्लेव को भी थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स करके जो बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आप सभी का ख्याल रख रहे हैं और हमें सम्मानित करने के लिए भी थैंक यू वेरी मच। और देश के लिए कुछ ना कुछ करने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन आपके पास में एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपको लोग पहचानते हैं, आपको लोग मानते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छी चीजें जिनसे आपको देखकर भी कोई इंस्पायर हो, इस तरीके की चीजें आप सोशल मीडिया पे डालें। और सोशल मीडिया पे कई गड़बड़ चीजें भी होती हैं, एक नेगेटिव साइड, एक डार्क साइड भी होता है, तो उससे भी प्लीज सब लोग बच के रहें। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अभी आप इस श्रद्धा से मुझे देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह के 4 बजे हो, मैं प्रवचन देने आया हूँ, भक्तजन एकदम श्रद्धा में लीन है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, हमारे चेहरे पे हमेशा 32 mm की स्माइल होनी चाहिए, और जैसा कि मैम ने कहा, एक बार हम प्रॉपरली भारत माता की जय बोलेंगे, पर इस आवाज से बोलेंगे कि जो बाहर खड़े हैं उन्हें भी पता चल जाए कि अंदर कुछ हो रहा है, और हमें अंदर आके बैठना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, मेरे लाइफ में ना एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, देरी से ही सही, भटके वो है जो अभी तक राह पे निकले ही नहीं। आई एम वेरी श्योर आप सभी यहां पे बैठे हैं तो आप सभी अपनी अपनी राहों के लिए निकल चुके हैं। अगर आप अपने डायरेक्शन के लिए निकल चुके हैं तो आई एम वेरी श्योर हो सकता है किसी को अपने डायरेक्शन में, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2-4 दिन ज्यादा लग जाए। इट्स एब्सोल्युटली ओके। हम अपनी रेस में सिर्फ अपने ही कॉम्पिटिटर है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार अमित भाई, ही इज डूइंग सो वेल, इसके 25 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरे तो अभी 5 मिलियन नहीं है, या मेरे तो अभी 4 मिलियन नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके। उनकी एक अलग जर्नी है जो वो जी रहे हैं, आपकी एक अलग जर्नी है जो आप जी रहे हैं, मेरी एक अलग जर्नी है जो मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। और एक चीज जो मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदास्न, कर्म प्रधान रखो, कर्म करते रहो। देखो होता क्या है, भगवान भी कह रहा है कि भैया मैं तेरे को दूंगा, उतना दूंगा जितना तूने सोचा भी नहीं है, पर तू कुछ कर ले। अगर हमने थोड़ा कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया तो वी विल रीच आर डेस्टिनी एंड डू इट विथ एथिक्स।
मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम फाइनेंस फील्ड. हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड मैं ओपनली कहता हूँ आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट गाय, आई एम नॉट द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन यू विल फाइंड ऑन सोशल मीडिया. आई एम नॉट द पर्सन जिसकी बात हमेशा सही होगी या जो हमेशा सबसे ज्यादा सही होगा, बट येस आई एम द पर्सन जो अपनी सब्सक्राइबर फैमिली के लिए सबसे ज्यादा लॉयल है, केयरिंग है. केयरिंग में तुम मुझे बीट नहीं कर सकते और किसी भी चीज में तुम जाके मुझे बीट कर पाओगे. सो दिस इज माई फाइनल मैसेज. आई नो मनी इज लाइक डेटॉल, इट किल्स 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बट डू इट विथ एथिक्स. इवेंचुअली यू विल बी एट अ बेटर प्लेस एंड एट अ बट मच बेटर प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच. अनंत, अनंत, मैं ये बस सोच, जब आप बोल रहे थे और रचना को इसके पहले मैंने सुना था, पैसे की बात चल रही थी ना, तो मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त देखो पर कैपिटा इनकम बढ़े तो और अच्छी बात है, तो वो तो चलो देश भर के लिए बढ़वा लोगे आप लोग के वो तरीके हैं, पर अगर मुझे यार मुझे अपना खुद पैसा कमाना है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा और कैसे आएगा? मैम बहुत सिंपल सा तरीका है. हम लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, पर हमारा पैसा एसी में बैंक के लॉकर में पड़ा रहता है. बस वो वहां से निकलने, वो हमारे लिए मेहनत करने लग गया तो अपने आप काम हो जाएगा और आप जर्नी में चले जाएंगे. और अगर आपके पास पैसा कम है तो खुद पे इन्वेस्ट करो, सबसे ज्यादा रिटर्न्स वहीं से मिलेंगे. वेरी गुड, थैंक यू मैम. जब खुद पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ाने वालों में उसकी एक नज़र तमाम दलों पर भी होती है, तमाम नेताओं पर भी होती है. हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो इन नेताओं को राह दिखाते हैं, इन नेताओं को भी इन्फ्लुएंशियल कैसे बनाया जाए, इनकी ताकत कैसे बढ़ाया जाए, उसके गुर बताते हैं नीलकांत बख्शी साहब. नमस्कार मंच पे बैठे सब वो लोग जो प्रेरणा के स्रोत हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं. हम लोग यहाँ किसी को कुछ सिखाने नहीं आए हैं, आपस में एक चर्चा करने आए हैं. जो आज से पहले राजश्री जी किसी को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि सब इम्पॉर्टेंट लोग एक जगह बैठ के अपने बारे में चर्चा करें. पैसा बढ़ाना घटाना कुछ लोग कहते हैं किस्मत का खेल है, पर आजकल तो एलन मस्क का खेल है, मार्क जुकरबर्ग का खेल है, तो खेलिए आप भी खुल के खेलिए. अभी राजश्री जी कह रहे थे कोई आइडिया हो अभी करिए, क्रेजी अमित जी के लिए कह रहे थे, तो एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ. G20 होने जा रही है, क्या कोई मीम बना सकता है कि फ़ोन करें पुटिन जो बिडेन को, हेलो कहाँ हो, वो बोल रहा है खान मार्केट घूम रहा हूँ, और फिर वो उसको फ़ोन लगाता है कि मैक्रॉन कहाँ हो, कह रहा टिक्की खा रहा हूँ यार चांदनी चौक में, और ये लोग डॉलर में पैसे नहीं ले रहे हैं, तो मैक्रॉन उसको बोलता है क्या डॉलर डॉलर करता है, तू डॉलर पे ही मरता है. वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जर्मन एम्बेसी से लोगों ने जाके डिजिटल पेमेंट करके सब्जियां खरीदी, तो फिर वो राष्ट्रपति उनको बोलते हैं भाई तू डिजिटल पेमेंट कर ले, UPI डाउनलोड कर ले, इंडिया इज मोर पावरफुल देन अस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट. और इस सेशन को भी राजश्री जी ने डिजिटल टॉपिक रखा है कि हम डिजिटल कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सब लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं. मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग रील के इन्फ्लुएंसर हैं और कुछ लोग रियल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हमें वो दायरा कम करना है. रील वालों को भी सीरियस बनाना है, जो सीरियस है उनको भी थोड़ा कैजुअल मोड में डालना है, जिससे कि हम अपनी बात को जो बोलें वो पीछे बैठा हुआ इंटरेस्टेड आदमी भी अगर नहीं भी इंटरेस्टेड है तो वो इंटरेस्ट ले, उस चीज़ को समझे. इस देश को आगे बढ़ाने में हम जिस जंक्शन में आज खड़े हैं, लड़ाई है झूठ और सच के बीच की. आज तिरंगा जब बाहर ले देश में फंस जाते हैं ना, तो अपनी छाती पे लगा के निकलते हैं, अपनी बसों पे लगा के निकलते हैं कि तिरंगा ही बचाएगा. तो अगर तिरंगा हमारे साथ है तो हमारे देश की एक इमेज होनी चाहिए कि जो भी तिरंगे के नीचे है वो सच बोलता है और वेरीफाइड बोलता है. आपके अकाउंट वेरीफाइड हो ना हो, आपकी बात वेरीफाइड होनी चाहिए. इस बात के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं. धन्यवाद. थैंक यू
नीलकांत भाई, और हमारे साथ संदीप पारिक है। संदीप पारिक साहब, जैसा कि अभी अनंत ने बताया कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, संदीप पारिक न केवल फाइनेंस के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और उसके जानकार हैं, बल्कि कानून के भी जानकार हैं। तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव बात करूंगा, आप सब लोग पॉजिटिव बातें करते हैं दिन भर। तो मैं जो डार्क साइड है, जो आपने अभी मेंशन किया, आई थिंक दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू एड्रेस। द फाइनेंशियल सेक्टर इटसेल्फ इज काइंड ऑफ वेरी राइफ विद फ्रॉड्स, एंड वी हैव द डार्क वेब, वी हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रॉड्स विच टेक प्लेस, एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नोट फॉर everybody that, you know, all of you have a lot of power to educate people, and I think it's very important to educate people about the nature of financial fraud, which occurs every day. Almost every day I get one or two messages, SMS messages, asking me to click on some link or the other, and those links normally exist only for 24 hours. Most of them are based in China or other countries, and once you click, you know, there'll be some kind of financial hostage situation, and you'll end up paying money. And again, most of the people in this room are not really, you know, all of you are smart enough to know that not to click on big links, etc. but it's usually the vulnerable, the old people, people who are not very educated, who are very vulnerable to this. And therefore, I hope many of you will talk a lot more about not just creating wealth, but also protecting wealth from fraud. So I hope I'm able to send a positive but a guarded message of caution for everybody. Thank you. Thank you, Sandeep bhai. और इसके बाद एला जी वर्मा हमारे साथ हैं। Thank you, ma'am. And you know, this story that I'm about to tell you is a story of life. Life that is very simple. मेरी जिंदगी आप सभी जैसी है। ना मैं कुछ खास करती हूँ, ना मैं कुछ खास दिखती हूँ, ना मेरे अंदर कुछ ऐसा अलग है जो आप में नहीं होगा। बट द थिंग इज, आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जिसका सांस भी लेना मुश्किल कर दिया गया है, और ऐसी कम्युनिटी जिसमें सांस भी लेना मुश्किल होना, हम में से कोई एक जी जाए उसी पे तालियां बज जाती हैं। आई स्टैंड हियर एज ए प्राउड यंग ट्रांसजेंडर वुमन, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें you know, I've been a TEDx speaker, a Josh Talk speaker, I've been to colleges as chief guest, but I've never been to college as a student. जिन colleges के campus में मैं जाती हूँ, वहाँ पर मेरे हम उम्र students मुझे मैम मैम कह के पुकारते हैं, लेकिन मेरे को उनके साथ कभी पढ़ने की opportunity नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मेरे documents, educational documents या legal documents, identification वाले documents, सब पे मेरा नेम और जेंडर चेंज करवाना, जो कि मेरे पास हर पॉलिसी, हर पेपर, हर अमेंडमेंट लीगली ऑन पेपर है, बट उसको जब मैं रियल लाइफ इन ऑफिस एक्सेस करने जाती हूँ, तो वहाँ पे बैठे हुए लोग सेंसिटाइज नहीं हैं, और यही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बढ़ाऊँ। और यू नो, क्या होता है ना, जब हम ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में सोचते हैं तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको, अपनी सिंपथी देना, उनको एज अ बेचारा देखना, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं हमारी ट्रू एम्पावरमेंट से, क्योंकि हमें बेचारा कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस दिन आपको हमें सर या मैम बोलना पड़ जाए, उस दिन बहुत लोगों की ईगो हर्ट्स होती है। एंड ट्रू एम्पावरमेंट डजंट कम टिल द पॉइंट यू एम्पावर अ कम्युनिटी फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी। दे विल गिव यू क्रचेज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन द आउटसाइड, बट सच बात यह है कि एक इंसान जो अपने आप को हकदार नहीं मानता अच्छी चीज़ों का, उसको आप दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज लाके दे दीजिए, वो नहीं लेगा। सेम विद मी, आप मेरी स्टोरी सोच के देखिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल एक मायूस, डरा हुआ, सहमा हुआ लड़का की तरह जी है, जिसका सबने मजाक उड़ाया है, और सिर्फ एक ट्रांजिशन के बाद, क्योंकि यू नो, भगवान की मर्जी थी, और मैं एक कन्वेंशनली अट्रैक्टिव वुमन हूँ आज, तो मेरे पास उस फील्ड में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है बड़ों की बातें मानने के, और बड़ों को कभी क्वेश्चन नहीं करना कि वो आपको क्यों बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बड़ों ने भी हमें फेल किया है एक्सप्लेनेशंस ना दे दे के।
तो एक डायलॉग ओपन करने की ज़रूरत है, भले वो कॉन्वर्सेशंस छोटी बातों पे हो, जैसे आपने स्कूल में क्या किया, या फिर थोड़ी ज़्यादा बड़ी सीरियस बातें जैसे आपकी सेक्सुअलिटी या जेंडर, बट बड़ों और छोटों में जो एक कॉन्वर्सेशन गैप है ना, इसको मिटाएंगे तो फिर हमारी जो कंट्री है ना वो सिर्फ चार्ट्स पे नहीं बल्कि हैप्पीनेस के स्केल पे भी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। मैं सिर्फ छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने एक बार लिखी थी और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कहती हूँ कि जो लोग सड़क पे भीख मांग सकते हैं वो ऑफिस में पैसे भी कमा सकते हैं, आप जॉब देकर देखिए। जो छोटे छोटे फंक्शंस में सेलिब्रेशंस में नाचते हैं वो बॉलीवुड नंबर्स में भी नाच सकते हैं, आप चांस देकर देखिए। एंड फाइनली थोड़ा फिल्मी नोट पे, बट जिन्हें आप सिर्फ एक रात की आशिकी के काबिल समझते हैं वो बेइंतहा मोहब्बत भी कर सकते हैं, आप प्यार तो करके देखिए। थैंक यू। अक्षत, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ना ट्रांसजेंडर की भी और आज की भविष्य फ्यूचर तमाम चीज़ों के इतिहास में एक अच्छी बात है, ख़ासकर भारत के इतिहास में तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, चाहे मैथोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सभी वर्गों की का जगह रहा है और इस तमाम लोगों को हमने एक्सेप्ट किया है। क्या मैं सही हूँ या आज का जो समाज जिसका एक्सपीरियंस इलाकों है वो सही है? और दोनों के बीच में आप वहाँ से बोलेंगे अक्षत, साथ में सोशल जो मीडिया है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो कैसे इंक्लूसिव है, इस पर छोटी सी बात। मैं मैम का सवाल भूल जाऊंगा इसलिए मैं पहले मैम के सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बाद में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। समाज बदला है, समय बहुत तेज़ी से बदला है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ड्रास्टिकली आपने कहा ना, ड्रास्टिकली एंड ड्रामेटिकली इट इज़ चेंजिंग, लेकिन इसके पहले ना बहुत ग्रेजुअली समाज बदला है। अब ड्रास्टिकली हो रहा है ऑन अ पॉजिटिव साइड, बहुत ग्रेजुअली हुआ है ऑन अ नेगेटिव साइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप देखिए कि हम लोग अर्धनारेश्वर हमारे ही समाज में रहे हैं ना, अभी भी मंदिरों में अर्धनारेश्वर की पूजा भी होती है और उनकी प्रतिमा भी होती है, उनके चित्र उकेरे जाते हैं। तो हम वहाँ से डिटोरिएट होके यहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम आज हैं, हम इसके बेहतर थे पहले। आज हम बोलते हैं हाय माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम सन ऑफ श्री अजय गुप्ता, पर उसके पहले बहुत पहले जो होता था वो होता था देवकी नंदन, यशोदा नंदन, अंजनी पुत्र। तो हमारे भगवानों को भी महिलाओं और अपनी माँओं के नाम से जाना जाता था। फिर वही लोग जब बड़े होते थे, जब उनकी शादी होती थी तो उनको जाना जाता था लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो आप देखिए कि शंकर के पहले गौरी का नाम आता था, सिया के पहले राम के पहले सिया का नाम आता था, श्याम के पहले राधे का नाम आता था, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम आता था। और ये वही लोग हैं जिनके नामों के पहले, शादी के पहले उनकी माँओं का नाम आता था। तो हम माँओं और पत्नियों के बाद ही जाने गए हैं। अब समय बदल गया जहाँ इक्वालिटी थोड़ी सी हिली हुई है। समथिंग अबाउट मी, मेरा कोई सब्सक्रिप्शन बेस नहीं है, ज़ीरो। और यहाँ बहुत सारे लोग शायद मुझको नहीं जानते होंगे, मैं आशुतोष के साथ आया हूँ और जैसे जैसे लोग ऊपर स्टेज पर जा रहे थे तो मैं आशुतोष से पूछ रहा था ये कौन है, तो मुझे आशुतोष बता रहे थे और आशुतोष को लगभग सबके बारे में पता है और आप सब लोग एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि आप लोग एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक धन्यवाद से करूंगा क्योंकि मैं इसलिए हूं क्योंकि आप जैसे लोग हैं। हमारे बीच में श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी पहुंच चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका स्वदेश कॉन्क्लेव में। उदित नारायण जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। और तमाम इन्फ्लुएंसर्स अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे थे और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी नियति को, आप भी अपने विचारों को साझा करें। नमस्कार, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में कंटेंट क्रिएट करते हैं अंडर द चैनल अभी एंड न्यू। हमने हमारी जर्नी 2019 में शुरू की थी और तभी हमने एक सीरीज़ लाया था कॉल्ड 100 रीजंस टू लव इंडिया, और उसके पीछे की सोच ये थी
कि जब भी हम बाहर गांव जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने जाएं या फिर कोई वॉकिंग टूर करें तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें अपने कल्चर के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में उन्हें इतना प्राउड फीलिंग होता है. आई विल बी वेरी स्पेसिफिक. मैं स्कॉटलैंड गई थी और पहले हम लंदन जा चुके थे तो हमने लंदन में पैलेस देखा. सो लंदन में हमने टावर ऑफ लंदन में हमारा चुराया हुआ कोहिनूर देखा, नादिर शाह का पीकॉक थ्रोन देखा एंड क्राउन, बाकी के सारे क्राउन ज्वेल्स देखे. बहुत सारा उन्होंने जो लूट किया था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सब देखा एंड इट वॉज वेरी शाइनी, वेरी नाइस फॉर अ वेरी यंग चाइल्ड. उसके बाद हम स्कॉटलैंड गए. स्कॉटलैंड यूके के एकदम टॉप में आता है. उनका वेदर काफ़ी हार्श होता है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है एंड उनका जो पैलेस था वो जला हुआ था. इट वॉज बर्नड ऑन मैनी साइड्स और उनके क्राउन ज्वेल्स प्लेन गोल्ड के थे विद अ फ्यू रूबीज, क्योंकि दे डिडंट गो एंड लूट द होल वर्ल्ड. ओके सो बट वहाँ के जो गाइड्स थे वो अपने कल्चर के बारे में, उनके ज्वेल्स के बारे में इतने प्राउडली बात कर रहे थे कि आप आइए, आप मेरा ये पैलेस देखिए, आप मेरे इस राजा के बारे में जानिए, आप उस बैटल के बारे में जानिए. कि मुझे लगा कि ये बहुत ही ये क्वालिटी है जो भारत में मिसिंग है. भारत में हमें एज अ पॉपुलेशन हम काफ़ी डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं बिकॉज हमें हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से कोई कनेक्शन नहीं है. हमें माय हस्बैंड ऑलवेज सेज दिस, इफ द ड्रीम ऑफ द कंट्री इज टू लीव द कंट्री देन व्हाट डज इट से अबाउट द कंट्री. बताइए. बहुत बहुत शुक्रिया न्यू. इसके साथ साथ हमारे बीच जो हमारे अन्य लोग हैं जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी मैं बुला लूं. अन्य सभी अतिथि मुख्य हैं लेकिन जयंतीलाल गाडा साहब और राजवर्धन राठौड़ हो मंच पर और उनकी ही जमीन से उनका ही एक प्यारा और उनकी ही प्यारी आवाज ना हो ऐसे कैसे हो सकता है. इसलिए मामे खान आप भी आए मंच पर. और इसके पहले कि एक नए सेशन की हम शुरुआत करेंगे जिसमें राजवर्धन राठौड़ जी से शुरू करेंगे, प्रदीप जी आप बहुत देर से इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे थे. एक बात एला ने भी कही और तमाम और लोगों ने भी कही है, मैं एक कंक्लूजन आपसे ज़रूर चाहूँगी जो इस सेशन का था एक तरह से, क्योंकि मेहमान हमारे मुख्य आ गए तो इसलिए हमने सबके मौके ख़त्म कर दिए. आपको थोड़ा सा मौका है, आप बोल सकते हैं. मुझे अगर इन सबके बारे में सबको इवेल्युएट करना हो तो ये इस तरह से जैसे एक मोतियों की माला हो और हर माला के अंदर हीरे लगे हों. तो ये सबकी जो बातचीत में इतनी देर से सुन रहा था और ये जिस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खासियत इस बातचीत की यही है और इनके इस बोलने की, ये बिल्कुल आपके दिल को छू जाते हैं. और दिल को छूने का जो अंदाज है इनका वो इतना प्यारा है कि आपको बड़ी जटिल से जटिल समस्या आपको इस तरह से समझाते हैं जैसे लगता है कि आपके अंदर उत्साह भर रहे हैं. अभी मेरे बगल में बैठी थी ट्रांसजेंडर, उन्होंने बताया कि मैं 20 साल की हूँ. अब 20 साल की उम्र में आपके इतनी बड़ी आपकी व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत बने, ये केवल आपके बोलने से नहीं है. जब आप कुछ करते हो आपका उसका समर्थन मिलता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और उस आत्मविश्वास के को बढ़ने के साथ साथ फिर आपके व्यक्तित्व में निखार आता है. अगर आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा अगर आपको उस तरह का समर्थन नहीं मिले. संदीप जी ने बात की कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो कि अपने आप में एक एक्सपर्ट हैं. ये सेबी में डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और विजिलेंस थे, IIM में पढ़ाते हैं अहमदाबाद में और माने जाने वकील हैं. इनके पिताजी भी पद्मश्री PH पारिक साहब, जो कि बहुत ही एक नामी गिरामी वकील रहे और हैं आज भी, हमारे बार के 6 बार प्रेसिडेंट रहे. तो एक हर व्यक्तित्व के अंदर, जैसे मैडम ने अपने पति की कहानी बताई कि उस देश में भी क्या, अगर आपको विदेश में जाके बसने का मन करे, आपका यही एम हो, तो फिर इस देश के बारे में क्या कहें. तो कई सी चीजें जो हमारे बीच में सामने आई, मुझे उस हर बातचीत को सुन के हर एक व्यक्ति का जो अनुभव था वो अनुभव अपने आप में इतना जबरदस्त है कि इससे लगता है कि अगर आप लोग ऐसे ही उगते रहे तो भारत के सूर्य का अस्त नहीं होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों को सुन के अच्छा लगा हम लोग को. बहुत बहुत शुक्रिया सर.